वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर वन नोइंग द नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 पार्ट फोर्थ एंड पेज नंबर इज 7। So open your book, Maths of Class 6. Exercise 1.1 and page number 7. Today we do question number 7. Write the following numbers in short form. देखिए यहाँ पे ये numbers लिखे हुए हैं, ये expanded form में लिखे हुए हैं। हमें इन numbers को short form में लिखना है। देखिए किस तरह से लिखेंगे, बहुत easy है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, in the copy। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। ये फर्स्ट है हमारा, देखिए 5 है, 5 के पीछे देखिए कितने जीरो हैं। शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए बच्चों हमें ज़ीरो काउंट करने हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़ीरो किसके अंदर हैं, फर्स्ट नंबर में ही सबसे ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उसमें ज़ीरो काउंट करते हैं कि कितने हैं। तो देखिए काउंट कितने ज़ीरो हैं इसमें, 1, 2, 3, 4। पहले हम 5 सिर्फ नंबर नंबर लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे, ज़ीरो को हम नहीं लिखेंगे। अभी के यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं। अब 4 ज़ीरो के बाद हमें वो नंबर लिखना है जिसके पीछे 3 ज़ीरो होते हैं, यानी कि एक एक ज़ीरो हम कम करते जाएंगे। तो 4 ज़ीरो के बाद 3 ज़ीरो किस में है, देखो ये 7 में है, 1, 2, 3। तो सिर्फ 7 ही लिखेंगे हम, ज़ीरो को छोड़ दीजिए। अब 3 ज़ीरो के बाद हमें कौन सा नंबर चाहिए बच्चों, जिसमें 2 ज़ीरो होते हैं। तो 2 ज़ीरो देखो किस में, इसमें हैं। तो किसके में है 2 ज़ीरो, 4 में। तो सिर्फ हम 4 लिखेंगे, 4 लिख दिया। अब 2 ज़ीरो के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे जिसमें 1 ज़ीरो होता है। तो 1 ज़ीरो देखिए इसमें आ रहा है, 1 ज़ीरो, यस। तो सिर्फ हम 9 लिखेंगे। अब 1 ज़ीरो के बाद सिर्फ हमें, अब 0 ख़त्म, हमें 0 नहीं देखना, अब हमें देखना है सिर्फ नंबर बिना 0 वाला। तो बिना 0 वाला क्या है बच्चों, 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। सिर्फ नंबर नंबर लिखने हैं, ज़ीरो को छोड़ देना है। तो ये क्या बन गया हमारा, शॉर्ट फॉर्म। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म का, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म बन गया। तो ये हमारा क्या है, आंसर। इसी तरह से देखिए बी में, सबसे पहले आप 8 को लिख लीजिए, क्योंकि सबसे पहला नंबर ही हमें 8 लिखना है। अब इसमें हम 0 काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 ज़ीरो के बाद बच्चों कौन सा नंबर लिखना है जिसमें 4 ज़ीरो होते हैं। तो 4 ज़ीरो किसी में आपको दिखाई दे रहे हैं, ओ यस, इसमें हैं 9 के साथ, 1, 2, 3, 4 मिल गया। तो हम सिर्फ 9 लिखेंगे, हम 0 को छोड़ देंगे। अब 4 ज़ीरो के बाद बच्चों कौन सा नंबर, कौन कितने ज़ीरो देखने हैं, 3 ज़ीरो आपको किसी में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप 0 लिख दो, एक सिर्फ 1 ज़ीरो लिखेंगे हम, 1 ज़ीरो। अब 3 ज़ीरो का तो हमने 0 लिख दिया क्योंकि वह है ही नहीं। अब 3 के बाद फिर कौन सा नंबर ढूंढना है बच्चों, जिसमें 2 ज़ीरो होते हैं। अब 2 ज़ीरो देखिए इसमें हैं, 1, 2, यानी 3 के साथ। तो सिर्फ हम 3 लिख देंगे। उसके बाद 1 ज़ीरो 5 के साथ है, तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। अब 1, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए सी, पहले आप 7 लिख लीजिए। अब देख 0 देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो हमने लिख दिया, 5 के बाद कौन कितने 0 होंगे, 4। अब 4 ज़ीरो ढूंढो किसके अंदर हैं, 1, 2, 3, 4 इसमें हैं। तो सिर्फ नंबर लिख लो 4, ये 4 यहाँ आ जाएगा। अब 4 ज़ीरो के बाद 3 ज़ीरो इसके अंदर हैं, 1, 2, 3।
तो ये से थ्री हम यहाँ लिख लेंगे। अब टू ज़ीरो भी नहीं है, वन ज़ीरो भी नहीं है, तो दोनों का एक एक ज़ीरो, टू ज़ीरो का एक ज़ीरो और वन ज़ीरो वाले नंबर का एक और ज़ीरो। अब ये सिक्स, ये दोनों ज़ीरो अलग हैं, ये दोनों हम यहाँ लिख लेंगे और ये सिक्स का सिक्स आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह से अब देखिए इसे, पहले आप टू लिखेंगे, अब ज़ीरो देखिए कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो हमने आ गया। अब फाइव के बाद कितने ज़ीरो देखने हैं, फोर, फोर ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं थ्री में, वन टू थ्री फोर, तो सिर्फ थ्री लिख लेंगे हम। फोर ज़ीरो के बाद थ्री ज़ीरो, थ्री ज़ीरो किसके अंदर हैं, ओ यस इसके अंदर हैं फोर में, वन टू थ्री, तो फोर नंबर लिख लेंगे हम। अब थ्री ज़ीरो के बाद टू ज़ीरो, टू ज़ीरो फाइव के साथ हैं, वन टू, तो फाइव लिखेंगे हम। अब टू ज़ीरो भी लिख लिया हमने प्लस नंबर, अब वन ज़ीरो, वन ज़ीरो इसमें है तो सिक्स लिखेंगे, फिर सेवन। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म का ये क्या हो गया बच्चों, शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम क्या सीखा हमने आज, शॉर्ट फॉर्म बनाना सीखा, कि जो नंबर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं उनको शॉर्ट में हम किस तरह से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।